फ्रेंड्स वेलकम टू हेलो सर क्लासेस आज हम क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर एट मोशन पढ़ेंगे एंड आपने देखा होगा कि मोशन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मूविंग हैं जैसे स्कूटर पे हम जा रहे हैं हम अपनी बस से स्कूल में जाते हैं ट्रेन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये सभी चीज़ें मोशन का एग्जाम्पल हैं ये सभी चीज़ें मूविंग हैं लेकिन वास्तव में मोशन है क्या उसके बारे में पढ़ते हैं मोशन ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजिशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट हम मोशन में किसी बॉडी को तब बोलेंगे जब वो कंटिन्यूसली अपनी पोजिशन को चेंज करती है किसी रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट का मतलब है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कोई पोल कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को आप रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं जो स्टेशनरीज जो रुकी हुई है वहाँ ठहरी हुई है आप पोल को ले सकते हैं आप किसी बिल्डिंग को ले सकते हैं आप किसी ट्री को ले सकते हैं देट कुड भी रेफरेंस पॉइंट नाउ मोशन एंड देन रेस्ट ए बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी पोजिशन में कंटिन्यूसली चेंज नहीं करती है तो वो कहलाएगी रेस्ट में नाउ मोशन कुड बी ऑफ टू टाइप्स नंबर वन यूनिफॉर्म मोशन ए बॉडी इज सेट टू बी सेट टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जैसे कि हमने ये मान लिया ये पोजिशन है ए टू बी एंड ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम दिस सी डी दिस इज सपोज फाइव मीटर एंड वन सेकेंड देन अगेन फाइव मीटर वन सेकेंड फाइव मीटर वन सेकंड दिस बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दिस शोज दैट द बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वह यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब बनाएंगे तो देट कूड बी ए स्लोब्ड स्ट्रेट लाइन हेयर दिस इज डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस दिस इज टाइम and now this is a sloped straight line and this shows the uniform motion similarly non uniform motion non uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time then we will say the motion of the body is non uniform motion and the graph of this is non uniform uh, sorry curved line okay now नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल क्वांटिटीज व्हाट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस और ए मटेरियल और ए बॉडी विच कुड बी मेजर्ड जिसको हम माप सकते हैं जिसको हम माप सकते हैं जैसे डिस्टेंस को लेंथ को एरिया को एक्सल्रेशन को उसको हम माप सकते हैं और वो सभी कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ब्रॉडली दे आर डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स इन फिजिक्स नंबर वन स्केलर क्वान्टिटी नंबर टू वैक्टर क्वान्टिटी those quantities which have only magnitude but no direction only magnitude but no direction now you will know what is magnitude actually if we say that suppose distance speed time temperature suppose temperature if we say 20 degrees celsius now this 20 is known as magnitude the value magnitude is the actually the value of that property ओके नाउ कुड यू से दैट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इन ईस्ट और इन वेस्ट और इन साउथ नो बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद दीज क्वांटिटीज सो दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है दे कुड बी ओनली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली सो स्केलर क्वांटिटी नाउ दिस इज वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल लिए हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलोरेशन एंड फोर्स सपोज फोर्स की बात करते हैं अगर मैं लिखता हूं टेन न्यूटन फोर्स तो टेन तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीच्यूड तो वुड यू से दैट फोर्स कुड नॉट बी डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन वेन एवर यू अप्लाई फोर्स दिस मस्ट बी इन सम डायरेक्शन लाइक इट इज फ्रॉम ईस्ट टू west or north to south this is direction direction is always associated with these vector quantities so those quantities which have only magnitude are called scalar quantities example and distance speed work and temperature vector quantities which have both direction as well as magnitude so these examples are displacement velocity acceleration and force now we will study next topic distance and डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी जो वास्तविक लंबाई है रास्ते की जो बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कवर किया है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है एंड इसकी एसआई यूनिट है मीटर एसआई यूनिट यानी कि इसको मापते हैं मीटर में उधर डिस्प्लेसमेंट क्या है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इनिशियल पोजिशन होती है स्टार्टिंग पोजिशन और फाइनल पोजिशन है लास्ट की पोजिशन तो इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक जो स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट क्योंकि जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो उसमें एक फिक्स डायरेक्शन है स्ट्रेट सो इसलिए दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट इसकी भी मीटर में मापी जाती है ये भी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं सपोज कोई बॉडी ए से चलती है बी तक और उसके बाद वो जाती है सी तक यानी कि पहले बॉडी गई ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी हेयर डिस्टेंस विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस BC that is the actual length of the path. So, distance is equal to AB plus BC. But what is the shortest distance between these two? This is the shortest distance AC. So, displacement will be equal to AC. So, this is the difference between displacement and distance. So, if you want to calculate the displacement here. वट विल यू विल यूज दैट इज ए राइट एंगल ट्रेंगल और राइट एंगल ट्रेंगल में राइट right एंगल के सामने जो चीज़ है जो साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटिन्यूज एच से लिख लो जिसके ऊपर ये बना हो उसमें एक बेस और दूसरा परपेंडिकुलर और हमेशा ये होता है कि पाइथागोरस थोरम के अकॉर्डिंग द स्क्यर ऑफ हाइपोटिनूज इज इक्वल टू स्क्र ऑफ बेस प्लस स्क्र ऑफ परपेंडिगुलर यानी कि ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर सो ए सी विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर एंड रूट सो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इफ यू हैव गिवन दिस साइड एंड दिस साइड वी विल लर्न इट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ये तीन तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पर आ सकते हैं। पहला प्रॉब्लम ये कहता है कि ये ए है ये B है और ये C है दिस इज टेन सेंटीमीटर या मीटर ले लीजिए मीटर एंड दिस इज ऑल्सो टेन मीटर कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सो फ्रॉम हेयर वी विल से डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी दैट इज द एक्चुअल लेंथ दैट मीन्स टेन प्लस टेन इक्वल टू ट्वेंटी मीटर नाउ we have to find out the displacement so displacement is equal to ac now ac we have to connect it ac now ac ka square equal to ab ka square plus bc ka square and right? that is 10 square plus 10 square so ac equal to 10 square plus 10 square root that is equal to 100 plus 100 200 and you get 2 into 100 and if you take out 10 then it will 10 root 2 meter. This is the answer from here you can calculate displacement. So next is circular if you, if you, if you say that, is, that there is a circular path and a body starts from A and it completes one rotation what will be the distance and displacement one rotation वन राउंड आप कह सकते हैं फुल नाउ इन हेयर देर ए सपोज दिस इज रेडियस एंड दैट इज सेवन मीटर सो इफ ही आस्क यू अगर वो आपसे पूछता है कि एक बॉडी ए से स्टार्ट होती है और एक चक्कर लगाने के बाद वो ए पर वापस आती है तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हेयर सरकम फ्रेंड्स दैट इज इक्वल टू टू पाई आर दैट इज टू इंटू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन एंड आर की वैल्यू यहाँ यहां है सेवन मीटर सेवन टू सेवन कट गया एंड टू इंटू ट्वेंटी टू फोर्टी फोर मीटर हेयर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जीरो बिकॉज द बॉडी इज अगेन ऑन द सेम पोजिशन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम सो डिसमेंट विल भी इक्वल टू जीरो सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन वी विल कम हेयर सपोज दिस इज ए स्क्र फील्ड टेन टेन मीटर टेन मीटर टेन मीटर एंड टेन मीटर एंड ही आस्क ही कैन आस्क फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट ए से बी पूछ सकता है ए से बी अगर पूछेगा तो डिस्टेंस भी टेन और डिस्प्लेसमेंट भी टेन क्योंकि ये सेम है ए से अगर सी पूछेगा तो डिस्टेंस टेन प्लस टेन ट्वेंटी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट टेन रूट टू डिस्प्लेसमेंट फिर ये हो जाएगी अगर ए से सी वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछता है अगर वो पूछता ए टू डी तो डिस्टेंस हो जाएगा टेन प्लस टेन प्लस टेन और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ए टू डी यानी कि टेन और अगर वो पूछता है ए टू ए आफ्टर ऑल दीज मतलब आफ्टर वन राउंड सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन फोर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो सिमिलरली ही कैन चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम मान लेते हैं ए टू यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू सी इस क्वेश्चन में सो डिस्टेंस इक्वल टू यहां आंसर है डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी सो इक्वल टू टेन प्लस टेन इक्वल टू ट्वेंटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे ए सी दिस इज डिस्प्लेसमेंट और वो उसी तरीके से होगा ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर सिमिलरली जैसे हमने ये किया था नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी स्पीड एंड डिस्टेंस स्पीड एंड वेलोस्टिक सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू स्पीड वॉट इज स्पीड एक्चुअली स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम सो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम मीन्स वन सेकेंड वन आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है डैट इज कॉल्ड स्पीड सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन यहाँ हम स्पीड को लिखते हैं रिप्रजेंट करते हैं वी सी डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से हम करते हैं तो वी को हम लिखते हैं स्पीड एस फॉर डिस्टेंस कवर्ड एंड टी फॉर टाइम टेकन सो स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड इन दिस एंड एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड यानी कि डिस्टेंस की यूनिट है मीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड इसलिए वेलोसिटी यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स इसको बोलेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स नाउ स्पीड इज ऑफ टू टाइप्स नंबर वन यूनिफॉर्म स्पीड नंबर टू नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द बॉडी इज हैविंग स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड सो and if it covers unequal distances in equal intervals of time, then we will say the body is having non-uniform speed. and speed is measured by speedometer. last lecture में हम ये भूल गए थे कि distance को किससे measure करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि distance is measured by distance को हम मापते हैं odometer से। and speed को हम मापते हैं speedometer मीटर से। आपने bike में, scooter में देखा होगा कि स्पीड की जो सुई है वो ऐसे चलती है दैट इज़ कॉल्ड स्पीडोमीटर और सेंटर में उसके जो नंबरिंग रोल करती रहती है दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर वो किलोमीटर्स में उसको मेजर करता है नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर डिस्टेंस ट्रवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी कि उसमें डायरेक्शन अटैच है या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम distance covered in a specified direction is also known as displacement so velocity is defined as distance traveled by a body per unit time in a specific given direction so velocity is equal to distance covered in a given direction divided by the time taken so velocity is a vector quantity so we will use a arrow sign on this and this is displacement we will use arrow sign on this also so वी डिवाइड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई वी एंड डिस्प्लेसमेंट इज एस बट ऑन द हेड ऑफ द एस देर इज एरो सो इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज डिस्प्लेसमेंट सो इट इज अ वैक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाई टाइम सो एस इज डिस्प्लेसमेंट हेयर टी इज चाइम हेयर सो इट इज़ ए वैक्टर क्वान्टिटी वेलोस्टी वैक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है और एस आई यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो प्रकार की वेलोसिटी होती हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन देन वी विल से द बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अन इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स सो देन इट विल बी नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोस्टीज देन इट विल बी नोन एज द बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोस्टी नेक्स्ट पॉइंट पे हम करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोस्टी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इनके अभी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है ये तीन स्पोज़ ए बी सी और डी यहाँ एस वन डिस्टेंस कवर किया ये एस टू डिस्टेंस कवर किया और ये एस थ्री डिस्टेंस ट्रेवल किया टी वन टाइम टी टू टाइम और टी थ्री टाइम में इन्होंने रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस कवर किए हैं सो so हम कह सकते हैं कि एवरेज जो स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री सो so, हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम सो एवरेज स्पीड इस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है उसी दौरान एवरेज वेलोस्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है एवरेज वेलोस्टी कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल वेलोस्टी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू इनिशियल वेलोसिटी को यू से मेजर करते हैं मतलब रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं सो यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टू इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट पे ऑब्जर्व वेलोसिटी है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी जो सेकेंड टाइम या लास्ट टाइम में जो ऑब्जर्व वेलोसिटी है सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी अब हम बात करेंगे कुछ नुमेरिकल्स की सबसे पहले हम नोमेरिकल्स में आते हैं उस पॉइंट पे कि हम कैसे स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं और या मीटर पर सेकंड है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं जैसे मैं लिखता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि थर्टी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए सो so, इसके लिए सिंपल तरीका है कि 36 किलोमीटर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाई थ्री सिक्स डबल ज़ीरो क्योंकि एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं थ्री सिक्स डबल ज़ीरो सेकेंड्स और एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वन थाउजेंड मीटर सो so, जीरो से जीरो जीरो से ज़ीरो कैंसिल थर्टी सिक्स से थर्टी सिक्स ऊपर आ गया टेन मीटर पर सेकेंड अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने क्या किया था थर्टी सिक्स को थाउजेंड से और नीचे थ्री सिक्स डबल ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं अगर हम इनको काट लें तो ये बनेगा फाइव बाई एटीन तो हम सीधा भी लिख सकते थे थर्टी सिक्स इंटू फाइव बाई एटीन से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एटीन टू जो थर्टी सिक्स टेन मीटर पर सेकेंड यानी कि ये शॉर्टकट ट्रिक है कि जब भी किसी चीज़ को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करते हैं तो उसको हम फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करते हैं अब इसका उल्टा भी है अगर आपको टेन मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे टेन डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकेंड मीटर को थाउजेंड सेकेंड कितने हैं वन डिवाइडेड बाई थ्री सिक्स डबल जीरो अगर इसको करेंगे सोल तो ये उलट जाएगा ऊपर जाएगा ये थ्री सिक्स डबल जीरो ऊपर और वन और जब इसको काटते हैं तो ये जीरो कर जाएंगे और ये आ जाएगा थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर लेकिन अगर इसको सिंपल तरीके से करना है जैसे इसमें तो अगर इसको करना है तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था फाइव बाई एटीन से तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एटीन बाई फाइव से तो ये फाइव टूजा टेन थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर यानी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई चेंज करना है तो हम एटीन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट आइए हम स्पीड से रिलेटेड कुछ नोमेरिकल्स अब करते हैं जैसे कि पहला बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आ सकता है कि ए बॉडी कवर्स 200 किलोमीटर इन 10 आवर्स और कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है कि वो कहता है किलोमीटर और आवर्स और स्पीड निकालनी है आपको मीटर पर सेकंड में तो पहले हम स्पीड निकाल लेंगे किलोमीटर पर आवर में और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में जैसा कि मैंने आपको बताया था तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस को हम किससे लिखते थे एस से इक्वल टू टू हंड्रेड किलोमीटर और टाइम टाइम को हम किससे लिखते थे T से एंड दैट इज़ इक्वल टू टेन आवर्स और आपको स्पीड स्पीड को हमने लिखा था वी से वी हमें फाइंड आउट करना तो हमें पता है कि वी इक्वल टू एस अपॉन टी सो वी विल राइट ही टू हंड्रेड अपॉन टेन तो इट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर लेकिन हमें स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में तो हमने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हमने क्या करना है इसको फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करना है फाइव बाई एटीन से आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा टू नाइन ज़ा एंड टू टेन ज़ा सो फिफ्टी अपॉन नाइन so that is equal to 9 5, 45 and then 5, 9, uh, g, uh, 9 5, 45, 5 0 9 5, 45 and 55.5 5 meter per second okay. so uh, this is the numerical now the next numerical is एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है और स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से आपको सबसे पहले पढ़ना है क्योंकि स्टेटमेंट के बेस पर ही आप कार्रवाई करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 200 किलोमीटर वो कहते हैं कि दो प्लेसेस के बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक बॉडी है कवर्स हाफ डिस्टेंस हाफ मतलब 100 किलोमीटर इन फाइव आवर्स एंड हाफ डिस्टेंस इन फिफ्टीन आवर्स कि वो पहला पहला ये सॉरी ये यहाँ पर फाइव पॉइंट फाइव आएगा फाइव पॉइंट फाइव फाइव मीटर पर सेकेंड सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज इज टू हंड्रेड किलोमीटर ए बॉडी कवर्स हाफ डिस्टेंस इन फाइव आवर्स एंड हाफ डिस्टेंस इन फिफ्टीन आवर्स यानी कि पहले हाफ में वो को पाँच घंटे में कवर करता है और नेक्स्ट हाफ यानी कि हंड्रेड किलोमीटर को वो 15 आवर्स में कवर करता तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम यहां पे आपको पता है कि डिस्टेंस फर्स्ट s1 मान लेते हैं पहले हाफ का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर और दूसरे हाफ का डिस्टेंस कितना है वो भी 100 किलोमीटर क्योंकि हाफ डिस्टेंस इतना ही t1 कितना है फाइव आवर्स t2 कितना है फिफ्टीन आवर्स नाउ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एस वन प्लस एस टू इक्वल टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड यानी कि टू हंड्रेड किलोमीटर और टोटल टाइम कितना हो गया टी वन प्लस टी टू इक्वल टू फाइव प्लस फिफ्टीन इक्वल टू ट्वेंटी आवर्स अब एवरेज स्पीड आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कि टू हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी जीरो से जीरो कैंसिल टू वन ज टू जीरो टेन किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड हो गई तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं अब तीसरी इसकी टाइप है कि ए बॉडी ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक विद ए स्पीड ऑफ़ 50 किलोमीटर पर आवर इसमें भी दो टाइप्स हैं पहली टाइप तो यही है दूसरी टाइप हम इसके बाद करेंगे तो पहली टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितना है 200 जाने में और 200 आने में यानी कि 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है बॉडी 200 किलोमीटर गई है और वो बॉडी वापिस आई है तो 200 जाने में और 200 किलोमीटर आने में यानी कि 400 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है अब पहले टाइम में उसकी स्पीड v1 कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर तो एस वन कितना हो जाएगा एस वन एस वन कितना होता है हमें पता है कि वी इक्वल टू एस बाई टी सो एस इक्वल टू वी इन टू सॉरी टाइम निकालेंगे डिस्टेंस हमें दिया हुआ ना एस वन है टू हंड्रेड किलोमीटर तो हमें टी वन यहां से आपको फाइंड आउट करना है तो टी किसके बराबर होता है वी एस ओवर v यहां से सो so, यहां पर हम निकाल लेंगे s1 वन ओवर V1, S1 कितना है 200 और V1 है 40 यानी कि इसको लगेंगे 5 आवर्स पहले स्लॉट में दूसरे स्लॉट में उसको V2 आपको पता है कितना है 50 की स्पीड से वो वापस आया है और T सॉरी S2 कितना है 200 किलोमीटर ही है और सॉरी T2 कितना हो जाएगा टू हो जाएगा एस टू ओवर वी टू यानी कि टू हंड्रेड अपॉन फिफ्टी ये कैंसिल हो गया ये आ गया आपका फोर आवर्स तो टोटल टाइम कितना हो गया टोटल टाइम हो गया टी वन प्लस टी टू यानी कि फाइव प्लस फोर इक्वल टू नाइन आवर्स दोबारा से सुनिए टोटल डिस्टेंस हमें पता है 400 किलोमीटर है 200 किलोमीटर वो गई है 200 किलोमीटर वो वापस आई है गई वो 40 की स्पीड से थी डिस्टेंस कवर किया जाने में 200 किलोमीटर तो टाइम लग गया 200 सौ टू हंड्रेड अपॉन फोर्टी यानी कि फाइव आवर्स आते वक्त 50 की स्पीड से वापस आई है डिस्टेंस वही टू हंड्रेड किलोमीटर है और T2 लग गया 200 हंड्रेड बाई फिफ्टी यानी कि फोर आवर्स टोटल टाइम नाइन आवर्स अब एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कि टोटल डिस्टेंस है 400 200 जाने में 200 आने में और टाइम लगा है नो आवर्स तो ये हम कर लेंगे यह क्या नाइन फोर थर्टी सिक्स एंड देन अगेन नाइन फोर जार थर्टी सिक्स फोर्टी, फोर्टी फोर किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उसकी एवरेज स्पीड रही है फॉर ए होल जर्नी ये तो एक टाइप है इसकी सिमिलर टाइप है ये डिस्टेंस नहीं दिया होता है कितनी वैल्यू है ये नहीं दी होती है वो सीधा लिखेगा ए बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और कम बैक विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फाइंड द एवरेज स्पीड ऐसे केस में हमें मानना पड़ता है लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स किलोमीटर सो टोटल डिस्टेंस एक्स जाने में और एक्स आने में कितना हो गया टू एक्स किलोमीटर बाकी काम जैसे ये किया है वैसे ही आपको करना है V1 आपकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर S1 कितना है X किलोमीटर टाइम हो जाएगा x बाई फोर्टी आवर्स सेकेंड केस में V2 कितना है 50 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कितना आने में भी x किलोमीटर आने में डिस्टेंस भी सेम है और T2 हो जाएगा x बाई फिफ्टी आवर्स टोटल टाइम हो जाएगा x बाई फोर्टी जब हाँ एक्स बाई फिफ्टी एल सी एम आ गया इनका टू हंड्रेड फो फाइव एक्स प्लस फोर एक्स दैट इज नाइन एक्स अपॉन टू हंड्रेड ये इतना टाइम आ गया टोटल डिस्टेंस कितना है वही टू एक्स किलोमीटर सो एवरेज स्पीड कितनी आ गई एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितना है टू एक्स टोटल टाइम कितना है नाइन एक्स अपॉन टू हंड्रेड सो दिस इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन नाइन एक्स में टू हंड्रेड ऊपर चला जाएगा टू हंड्रेड एक्स से एक्स कैंसिल हो गया ये आ गया फोर हंड्रेड टू टू जहा फोर डबल जीरो नाइन यानी कि फोर्टी फोर पॉइंट फोर किलोमीटर पर आवर यानी कि इसी क्वेश्चन में एक में वो डिस्टेंस दे देता है आपको मैथमेटिकली और एक में वो अननोन डिस्टेंस के बारे में फाइंड आउट करने के लिए कहेगा डिस्टेंस नहीं देगा उस केस में आपको डिस्टेंस को एक्स एज्यूम करना पड़ेगा और जाने में एक्स आने में एक्स तो टोटल डिस्टेंस टू तो एक्स किलोमीटर हो जाएगा नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ वन ट्वेंटी किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर वो कहता है कि एक सौ बीस किलोमीटर का डिस्टेंस साठ किलोमीटर की एवरेज स्पीड से उसने कवर किया है लेकिन उसमें से जो पहला थर्टी किलोमीटर इट कवर फर्स्ट थर्टी किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ थर्टी किलोमीटर पर आवर और जो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी नेक्स्ट 90 किलोमीटर यानी कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर में उसने किस स्पीड से कवर किया है वो कैलकुलेट करना है ताकि उसकी टोटल जो डिस्टेंस कवर करने में एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आती है तो इसका तरीका क्या है सबसे पहले हमें लिखना है क्या गिवन है एवरेज स्पीड कितनी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर 62 किलोमीटर पर आवर और टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा क्योंकि इन दोनों से हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं ना टोटल ये है टोटल डिस्टेंस तो टोटल टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और स्पीड है 60 तो ये कट गया तो टू आवर्स का टोटल डिस्टेंस हो गया अब उसने पहला जो स्पीड है उसकी पहला जो डिस्टेंस है S1 वो है 30 किलोमीटर और उसमें वी वन उसकी थर्टी किलोमीटर पर आवर तो टाइम कितना हो गया उसमें टाइम हो गया उसमें एस वन अपोन वी वन यानी कि थर्टी अपोन थर्टी वन आवर ठीक है जी अब नेक्स्ट के लिए कितना टाइम बचा यानी कि नेक्स्ट जो उसने कवर किए हैं नाइन्टी किलोमीटर वो कितना कितनी देर में कवर किए टोटल टाइम उसको टू आवर्स लगा पहले उस जो डिस्टेंस कवर किया थी तीस किलोमीटर थर्टी किलोमीटर वो वन आवर में किया है तो टी तो टू कितना हो जाएगा टोटल टाइम माइनस टी वन टोटल टाइम टू आवर्स है और इसमें से वन आवर माइनस ये बच गया वन आवर यानी कि नेक्स्ट नाइन्टी किलोमीटर उसने कितने टाइम में कवर किया है एक घंटे में तो स्पीड कितनी हो जाएगी डिस्टेंस कितना हो जाएगा एस टू हो गया नाइन्टी किलोमीटर और v2 आपको निकालना है तो v2 यानी कि स्पीड सेकंड पार्ट में ये ये है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये है 90 किलोमीटर इसमें हमने v2 यानी कि स्पीड निकालनी है ठीक है और इस पूरे 120 किलोमीटर में एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की ये क्वेश्चन था अब हमें हमने क्या निकाला पहले एवरेज स्पीड निकाली एवरेज स्पीड हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 120 किलोमीटर तो टोटल टाइम पूरी जर्नी के लिए कितना लगा उसका 120 ट्वेंटी अपॉन सिक्सटी यानी कि टू आवर्स पहले पार्ट को उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया 30 किलोमीटर को तो उसमें टाइम लगा एक घंटा तो बचा हुआ टाइम जो सेकेंड पार्ट में उसने यूज़ किया है वो कितना है वो भी वन आवर है इस पार्ट में जो हमने इस तरीके से निकाला है टोटल टाइम में से T1 माइनस करके अब जो टोटल डिस्टेंस कितना है सेकेंड पार्ट में S2 90 और V2 हमें निकालना है तो V2 होता है डिस्टेंस यानी कि S2 टू अपॉन में T2 S2 कितना है 90 किलोमीटर और T2 है वन आवर तो इसकी स्पीड रहेगी नाइन्टी कि किलोमीटर पर आवर ये सेकेंड पार्ट की स्पीड हमारा आंसर हुआ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सलोरेशन एक्सलोरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है जैसे ट्रेन है रेस्ट से स्टार्ट होती है एंड देन स्टार्ट ग्रेजुअली इंक्रीज इट्स स्पीड या कोई चीज़ डिक्रीज होती है लगातार उसकी स्पीड में तो वो एक्सेलरेशन के लगा चेंज इन स्पीड यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड पर यूनिट टाइम यानी कि एक्सोलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन अब चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो अंतिम वेलोसिटी है माइनस में जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो है चेंज इन वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू टाइम टेकन फाइनल वेलोसिटी को हम वी से लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं और टाइम को टी से लिखते हैं तो फॉर्मूला बनता है ए इक्वल टू ए फॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू डिवाइडेड बाई टाइम सो ए इक्वल टू वी माइनस यू और टी सो इट इज ए वैक्टर क्वांटिटी कौन सी इट इज यानी कि एक्सलोशन इज ए वैक्टर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर क्यों है ये एसआई यूनिट क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और उसके बाद टाइम की यूनिट है सेकेंड इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इसकी यूनिट है सेकेंड सो इसकी टोटल यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्यर इसी का दूसरा काउंटर पार्ट है रिटार्डेशन रिटार्डेशन क्या है कि एक्सलरेशन होता है जब इनिशियल वेलोसिटी कम हो और वेलोसिटी बढ़ती है और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जैसे ट्रेन रुक रही है तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है तो जब इनिशियल वेलोसिटी वैन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी देन वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन विल बी नेगेटिव तो उस केस में ये ज़्यादा होगी और ये कम होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी उस केस में इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेशन या डेसिलरेशन कोई भी एक ट्रम यूज़ कर सकते हो नेगेटिव एक्सेलेशन क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी या उसको रिटार्डेशन कहते हैं क्योंकि स्पीड उसकी धीरे धीरे घट रही है और या उसको हम डेसिलरेशन भी बोलते हैं ये एक पार्ट हमने इस वीडियो का बनाया है और इसको आप लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत बोले तो हेलो सर क्लासेज में स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो सो प्लीज़ बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतजार करें बहुत जल्द हम आपके सामने लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू